हेलो दोस्तों, डॉग जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में लोग बात करेंगे अमेरिकन शेफर्डशायर टेरियर, जिसे कि एमशेफ भी कहते हैं, इस डॉग ब्रीड के बारे में। आखिर ये डॉग ब्रीड कैसी है अगर आप इस डॉग ब्रीड को पालना चाहते हो। सबसे पहले कई लोगों ने मिथ बना रखा है कि पिटबुल पाल लेनी चाहिए, अच्छी डॉग ब्रीड नहीं होती, ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होती है। देखो, एग्रेसिव हर डॉग ब्रीड होती है जो गार्डिंग डॉग से आती है या फिर हंटिंग डॉग से आती है, लेकिन फिर भी लोग पालते हैं। लेकिन मेरे को समझ नहीं आता कि पिटबुल के लिए इतने मिथ क्यों बना रखे हैं कि पिटबुल नहीं पालना चाहिए, बच्चों के ऊपर एग्रेसिव हो जाता है। जो पिटबुल पहले थे इस्तेमाल किए जाते थे, वो एज ए नैनी डॉग इस्तेमाल किए जाते थे। नैनी डॉग का मतलब हो जाता है कि आप बच्चों के साथ बेझिझक छोड़ के जा सकते हो, वो बच्चों का प्रॉपर ध्यान रखेंगे। तो उस तरीके से जब जो डॉग बच्चों के साथ इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से रहता है, वो एग्रेसिव कैसे हो सकता है बच्चों के लिए। लेकिन उससे पहले भी इन डॉग का इस्तेमाल किया जाता था बुल फाइटिंग के लिए, डॉग फाइटिंग के लिए। बेसिकली ये होते हैं पिटबुल जो टाइप है, वो बेसिकली गेम डॉग की टाइप हो जाती है। तो जो गेम डॉग होते हैं वो, उनका एग्रेशन लेवल हाई होता है। लेकिन अगर बचपन से ही उन्हें बच्चों के साथ रखोगे, दूसरे एनिमल्स के साथ रखोगे और ट्रेनिंग ढंग से दोगे, तो इनका एग्रेशन लेवल लो हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको टैकल करना होता है कि आप किस तरीके से अपने डॉग को रख रहे हो। दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो आप पूरे टाइम अपने डॉग को अलग काट के रखो फैमिली से, तो वो एग्रेसिव बनेगा। दूसरी चीज़ होती है कि आप अपने डॉग को पूरे फैमिली के साथ मिलाओ, सब लोगों के साथ घुमाओ फिराओ, वो पता रहेगा उसे कि कब उसे एग्रेशन शो करना है कब नहीं करना। बेवजह कभी भी आपका डॉग एग्रेशन शो करेगा तो आप ही मुसीबत में आओगे। बेवजह वो किसी के ऊपर अटैक करेगा तो उंगली आप पे उठेगी कि आपने इतना भयंकर डॉग पाल रखा और ये बेवजह काटता है, किसी को भी काट ले। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको अपने डॉग को थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और उसे सोशलाइज कराओ। जितना सोशलाइज कराओगे उतना उस डॉग का टेम्परामेंट डाउन जाएगा, जिसके चलते वो आप उसे घर के अंदर आराम से रख सकते हो। तो ये चीज़ का आपको खास ध्यान देना पड़ेगा, भले वो पिटबुल की कोई भी टाइप हो। एमशेफ जो है वो बाकी डॉग के मुकाबले थोड़ा टेम्परामेंट में लो होता है, आप बेझिझक घर में रख सकते हो और बच्चों को तो वो कुछ कहता ही नहीं है, वैसी बात आ जाती है। और साथ के साथ वो गार्डिंग के मामले में भी अच्छी डॉग ब्रीड है, लेकिन साथ आपको उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, वरना वो कई केसेस में ऐसा हुआ है कि अटैक करने के बाद सामने वाले बंदे के जिधर पकड़ लिया वो छोड़ते नहीं है। तो आपको ये चीज़ सिखानी पड़ेगी अपने डॉग को, लीव की कमांड पिटबुल के लिए काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी होती है, लीव की कमांड सिखानी। क्योंकि कई बंदे कहते हैं इनका लॉकिंग जो होता है, लॉकिंग जो कुछ नहीं होते, इनकी बाइट फोर्स काफ़ी अच्छी होती है, जब ये बाइट कर लेते हैं तो उस छोड़ते ही नहीं है उस पोर्शन को। तो आपको उस पोर्शन को जिधर भी वो बाइट कर रहा है आपको उसे सिखाना पड़ेगा लीव कह के कि भाई छोड़ दे। अब ये करते रहोगे तो आपका डॉग काफ़ी सही बनेगा। अब बात करते हैं, ये डॉग ब्रीड को आप अपार्टमेंट में रखना चाहो अपार्टमेंट में रख सकते हो, फार्म पे रखना चाहो फार्म हाउस पे रख सकते हो, कैसे मर्जी चाहो वैसे रख सकते हो। ये डॉग ब्रीड को अगर आप अपार्टमेंट में रखते हो तो आपको इनके लिए डॉग का ट्रेडमिल आता है, वो लेना पड़ेगा, क्योंकि ये डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होती है। ये जो डॉग ब्रीड होती है ये बेसिकली क्लासिक जो बुली होते हैं ना, अमेरिकन बुली, उस तरीके की अपीयरेंस देते हैं। तो कई बंदे क्या करते हैं कि इन दोनों को मिक्स करके देते हैं कि बच्चा थोड़ा सा हैवी भी दिखे। तो आपको जब भी आप एमशेफ लो तो आपको एक प्रॉपर उनका ब्रीडर ढूंढना पड़ेगा, जिससे कि आप बच्चा ले रहे हो उसके फादर मदर दोनों को देखो और फिर बच्चा लो। और इसमें एक और चीज़ है कि यह एक अकेली ऐसी लोती ब्रीड है पिटबुल टाइप में, जो कि रजिस्टर्ड है EKC से। आपको इसके इंडियन कैनल क्लब से भी पेपर मिल जाएंगे, और अगर आप बाहर से इंपोर्ट करा रहे हो तो इनकी ऑनलाइन पेडिग्री भी मिल जाती है। तो आप दोनों तरीके से देख सकते हो आपको किस तरीके की चाहिए। ऑनलाइन पेडिग्री मोस्टली पिटबुल की मिल जाती है अगर आप बाहर से लेते हो या फिर अच्छी ब्लड लाइन का लेते हो तो, लेकिन AKC के या कहीं से भी वो रजिस्टर्ड नहीं होते, खाली एमशेफ ही रजिस्टर्ड है। तो आप ये चीज़ कंसीडर कर सकते हो अगर आपका एम है डॉग शो में कम्पीट कराने का या फिर घर में रखने के लिए थोड़ी सी एक मस्कुलर डॉग ब्रीड, APBT जितनी लीन नहीं होनी चाहिए, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। इसका और APBT में बहुत कम डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस आ जाता है कि APBT थोड़े से साइज़ में भी छोटे होते हैं और ये थोड़े से बड़े भी होते हैं साइज़ में, और इनकी अपीयरेंस थोड़ी सी मस्कुलर होती है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो आपको किस तरीके का डॉग चाहिए, जिसकी चेस्ट हैवी हो, एप्पल टाइप में उसका हेड हो, और बैक की लेग्स की मसल भी, जो थाई मसल होती है, वो भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो। ये डॉग ब्रीड हेल्दी डॉग ब्रीड है, आपको इसमें हेल्थ इशू काफ़ी कम मिलेंगे। एक्सरसाइज नीड इन डॉग्स की होती ही होती है, तो इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करना। बाकी फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो या फिर आप कितनी बार भी डॉग पाल चुके हो, अगर आपको पिटबुल पालना है तो आप बेझिझक पाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। लोगों ने बहम बना रखे हैं कि नहीं पालना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो आप पाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस थोड़ा टाइम उसके साथ ज़्यादा स्पेंड करना। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट्स में बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और चैनल को अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। आपके एक एक सब्सक्राइब के साथ ही हम 10,000 सब्सक्राइबर अचीव करेंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपनी ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।